is Ankia and my character name is Shivraj. How about you? My name is Hardika and I'm playing Rasal. ये बताइए आज का जो आप आपने रोल प्ले किया है कैसा लगा आपको रोल प्ले करने में, क्या था जो रोल प्ले किया? ओके सो आज ना मुझे अच्छा लगा. सीन ऐसा था कि जो है ना मेरे जो बापूसा हैं वो उनकी दूसरी शादी होने वाली है क्योंकि हमारी जो फर्स्ट मदर थी वो डेथ कर गई हैं. तो है ना उस शादी से ये बहुत उदास है. इसको अच्छा नहीं लग रहा कि नहीं माँ आएगी क्योंकि इसने अपने दोस्त से सुना, सीन में बता रहा हूँ, दोस्त से सुना कि जो सौतेली माँ होती है यानी कि दूसरी मदर जो होती है वो बहुत बुरी होती है. मतलब वो हमारे जैसे इसकी ये कह रही थी इसकी फ्रेंड सीन में कि इसकी जो फ्रेंड की जो मदर है वो भी सौतेली है और उसने उसके भाई को उससे दूर कर दिया तो इसी वजह से ये डर रही है. आप बताओ आपको अच्छा नहीं लग रहा कि सौतेली माँ आपके घर पे? अभी तो नहीं है. अच्छा. सौतेली माँ आएगी. आएगी. अच्छा आपसे जानना चाहूँगा इससे पहले कौन से शो में आपने काम किया है और कितने सालों से आप एक्टिंग कर रहे हो? I was 3.5 that. अच्छा तो पहला शो बताइए और जो बाकी शो किया या एड्स किया या जो भी काम किया आपने जो फिल्म प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं. फर्स्ट मैं मॉडलिंग करता था. मॉडलिंग. ओके. उसके बाद फिर मैंने प्रिंट शूट करने लगे. ओके. और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे एड्स में आया, फिर फिल्म इंडस्ट्री में आया. देखा तो कुछ पता चला, वीडियोस देखता था. तो मॉडलिंग जो करता था ना उसमें मम्मा पता है क्या बोलती थी कि आपका जो फेवरेट सुपर हीरो है उसके पोजेस करो आप. मेरा फेवरेट सुपर हीरो था क्रिश, मैं उसके पोजेस करता था. पहले तो मैं हिट हुआ बहुत. और अभी एड्स की बात करें तो मैंने बहुत सारे अभी तक मैं कर लिए बहुत सारे एड्स. वैफी, लाइक वैफी का मैंने किया था, वैफी का. और महिंद्रा ट्रक्स का किया था. रोबो कैमरा का किया था मैंने. ऐसे बहुत सारे एड्स किए मैंने, बहुत सारे. वीज़ा कार्ड का भी किया था. वीज़ा कार्ड आप बताओ आपने क्या किया था? मैंने अभी तक शो नहीं किया है. शो नहीं किया पर मूवीज और एड्स किया है. मैंने 2 मूवीज किया है जो अभी 23 जुलाई को रिलीज होगी. हंगामा. अच्छा हंगामा में. हाँ. और ये बताओ रक्षाबंधन जो ये जो शो है कैसे आप कैसे सेलिब्रेट करते हो रक्षाबंधन और कैसे सेलिब्रेट करते हो, क्या करते हो रक्षाबंधन के दिन, क्या खास करते हो आप रक्षाबंधन के दिन? मैं अपनी बहन को राखी बांधता हूँ. सीरियल में बता रहा हूँ. रियल लाइफ में और सीरियल में भी होता है. रियल लाइफ में पिछला जो रक्षाबंधन निकला था उस टाइम पे है ना मेरी सबसे छोटी बहन बॉर्न हुई थी दिसंबर में. सबसे छोटी बहन तो है ना उसके साथ मैंने रक्षाबंधन मनाया था. बहुत क्यूट समय था बहुत. तो वो मेरे हाथ पे राखी बांधी थी. हम लोगों ने घर को बहुत अच्छे से सजाया था. 1-2 दिन की मेहनत लगी थी तब जाके घर सजा था. पेपर क्राफ्ट्स किए थे मैंने, मेरी मम्मा ने, हम लोगों ने सब बड़े अच्छे से. हम लोग सब उससे पहले भी मैं अपने मम्मा के यहाँ पे जाता था, मतलब मेरी नानी के यहाँ पे. वो इंदौर में है, मेरी नानी वहाँ इंदौर में रहती हैं. अभी तो मेरे साथ रहती हैं लेकिन उनका जो घर है हाउस वो इंदौर में है. तो वहाँ पे पहले मैं सेलिब्रेट करता था. फिर लॉकडाउन की वजह से मुझे यहीं पे सेलिब्रेट करना पड़ा. ऐसे तो रोज़ मैं त्यौहार पे कभी अपने दादाजी के पास जाता हूँ, कभी मैं अपने नाना जी के यहाँ जाता हूँ. आप बताइए इस जो सीरियल में है ना तो जब जो फर्स्ट प्रोमो रिलीज हुआ था उसमें वही दिखा रहा है कि भाई मुझे राखी बांध रहा है. और मैं सच में ऐसा करती भी हूँ रियल में. मेरा जो ट्विन ब्रदर है रियल में तो वो मुझे राखी बांधता है, मैं उसे राखी बांधती हूँ. और वो मुझे गिफ्ट देता है, मैं उसे गिफ्ट देती हूँ. दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. अच्छा कोई ऐसा एक्टिविटी हो, कोई ऐसा गाना या कोई ऐसा एक्ट हो जो आपको सबसे पसंद हो, आपने किया हो वो एक्ट करके दिखाओ आप. मतलब ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड का होना चाहिए, 10 या 15 सेकंड का कोई भी एक्ट हो जो आपने किया अभी तक का. मेरा बेस्ट में तो था बाहुबली द बिगनिंग फिल्म, आपने देखी होगी. उसका जो एंड सीन था, जो फाइटिंग सीन था. ओके. उसमें एक डायलॉग था. प्रभास का. ओके. मैं आपको करके दिखाता हूँ.
मृत्यु मृत्यु महासेना। क्या है मृत्यु? हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। जिस नीच ने हमारी माँ का अपमान किया, वो हमारी आंखों के सामने अट्टहास कर रहा है। उसका सिर काट कर माँ के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी माँ और मातृभूमि को कोई नीच भाभी छू नहीं सकता। उसकी छाती चीर कर उन सबसे यह कहने जा रहा हूं मैं, मेरे साथ आएगा कौन, मेरे साथ मरेगा कौन, उस मृत्यु को पार करके मेरे साथ अमर होगा कौन। जय बृहस्पति। चलो थैंक यू दोनों को, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एक्टिंग करते आप लोग। एंजॉय कर रहे हो ना यहाँ पे आप लोग? बहुत। बाय बाय। देखना ना भूले, सिर्फ दंगल टीवी पर। याद रखना कभी मत भूलिए। रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल आ रहा है 19 जुलाई से।